पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में कई जिलों में जल स्तर में बढ़ोतरी होने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसमें विदिशा का भी हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इसी बीच विदिशा की बेतवा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने से पुराना सड़क पुल तेज बहाव में डूबा हुआ है। उसके ऊपर से लगभग 4 से 5 फीट पानी बह रहा है, जिसके चलते कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बेतवा के किनारे में बसी बस्तियों और ऐसे ग्राम जहां नदी नाले जिनके उफान पर आने से रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां पर भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही कहा कि वहां से निकलने का प्रयास न करें, नहीं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि शहर और जिले में हो रही बारिश के साथ साथ नदियों के ऊपरी क्षेत्र में खोले गए डैम की वजह से भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जैसा पूरे मध्य प्रदेश में इस समय अतिवृष्टि की सिचुएशन बना हुआ है, आने वाले 2-3 दिनों में भी अतिवृष्टि की संभावना है। इस संबंध में जिला प्रशासन की सभी तैयारियां हो चुकी हैं और जितने भी पुल पुलिया और रपटे जो ओवरफ्लो हो रहे हैं या होने की संभावना है, उनको आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जो भी हमारे गांव संभावित होते हैं कि लेवल बढ़ने पे पानी का वो अगर प्रभावित होते हैं, वहाँ पे भी हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं और जो राहत शिविर होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसको निपटने की पूरी तैयारी है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप भी इस तरह के कोई भी मार्ग हों जहाँ पे कि पानी अगर ओवरफ्लो हो रहा हो तो कृपया करके जबरदस्ती आप उसको क्रॉस ना करें, इससे अनावश्यक जोखिम का खतरा रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।